बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो लोग सरकारी तौर पर या प्राइवेट तौर पर हज पे जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली खबर यह है कि 20 जनवरी से इसमें एप्लीकेशनें मांगी जाएंगी और उसके साथ आपको कौन से कागजात की जरूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो कि फौरी तौर पर आपके पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि इनकी टाइमिंग बहुत कम होती है, बहुत थोड़ा 10 से 15 दिन होते हैं जिसके दौरान आपने तमाम कागजात जो है वो बैंक में जमा करवाने होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। आपके पास फौरी तौर पर 4 से 4.5 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि सरकारी तौर पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बढ़ा दिया गया है और प्राइवेट तौर पर 2 से 2.5 लाख रुपया बढ़ा दिया गया है। तो इस हवाले से दूसरा जो आपके पास कागजात होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि 20 मार्च 2020 तक कार आमद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की कॉपियां होनी चाहिए और 8 कॉपियां कम से कम होनी चाहिए और 8 अदर तस्वीर होनी चाहिए नीले पस मंजर वाली। और वो आप जब जाएंगे तस्वीरें खिंचवाने के लिए तो फोटोग्राफर को पता होगा कि इसमें 1x1 या कौन से साइज की तस्वीरें लगती हैं। इसके अलावा आपको ब्लड ग्रुप का अपना आपको पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है। ये ब्लड ग्रुप उस वक्त काम होता है जब आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, उससे पहले वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो मुतलका जो आपकी अथॉरिटी होगी जो हॉस्पिटल होगा वहां से जाके आपने वो फॉर्म पुर करवाना होगा और वहां से जाके आपने अपना ब्लड ग्रुप और मेडिकल करवाना होगा। ये फॉर्म जमा करवाने से पहले मेडिकल करवाना बहुत जरूरी होता है, वो मेडिकल ऑफिसर आपको लिख के देगा फॉर्म, वो लेने के बाद उसके ऊपर वो साइन करेगा। इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, वर्सा के शनाख्ती कार्ड समेत फोन नंबर आपके पास होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इस तरह का एक फॉर्म होता है जो आपके पुर करेंगे, जैसे ही आप बैंक में जाएंगे तो उनका एक नुमाइंदा बैठा होगा खसूसी तौर पर, वो आपकी पेमेंट जमा करेगा, आपके फॉर्म फिलअप करेगा और उसमें आपका पूरा एड्रेस नोट करेगा। इसके अलावा आप जहां से भी जाना चाहते हो, खास तौर पर एक बात जेहन में रखें कि जहां से भी आपने जाना चाहते हो, आपका तल्लक बहावलपुर से है, लाहौर से है, इस्लामाबाद कराची से है, लेकिन आप अपनी फ्लाइट के लिए बता सकते हैं कि मेरी फ्लाइट लाहौर से जानी चाहिए, इस्लामाबाद से जानी चाहिए या किस तरह। इसके अलावा आपको पूरा ग्रुप देना होगा, आप जितना ज्यादा छोटा ग्रुप होगा उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उसके चांसेस कम होते हैं और जितने ज्यादा छोटा होता है ग्रुप उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। कोशिश करें छोटे से छोटे ग्रुप में शामिल होने की, बकिया तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो जिस तरह भी जिस पे मेहरबानी करता है अपने घर में बुलाता है, तो इसलिए बुलाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी 3-4 चीजें अपने पास रखें, फौरी तौर पर आपको ये जमा करवानी होगी। आप अपना पूरा ग्रुप बना के रखें, पूरे लोगों का एक 8-10 से ज्यादा ग्रुप नहीं होना चाहिए वहां पे। 8-10 का ये फायदा कि वहां पे भी जब आप जाएंगे मक्का में मदीना में आपको सहूलत रहेगी, आपका 3-3 या 4-4 का ग्रुप आपका कमरों के हिसाब से बन जाएगा, आपको रहाइश में भी आसानी होगी और इसके अलावा भी आपको आने जाने में बड़ी आसानी होगी। ये आज की बड़ी खबर थी जो आपको मैं शेयर करना चाहता था। थैंक यू फॉर जाने का सलाह।